अगर आपसे आंसर नहीं हो अगला क्वेश्चन नालायक अगला क्वेश्चन नालायक नालायक तुम नालायक हो तो पेपर नालायक ही आएगा तंग, तंग नहीं होगा डिप्रेशन में नहीं जाओगे ओ oh माय गुडनेस मैं मर गया मैं लुट गया बर्बाद हो गया कैट के बाद कई लोग रोते हैं तो गोरे आपको तंग नहीं करते अडपटिव एग्जाम जैसे तुम होशियार बच्चा पहला क्वेश्चन किया अगला क्वेश्चन मुश्किल अगला क्वेश्चन मुश्किल इसको बोलते हैं जिन लोगों ने अनमेट दिया उनको पता है अडेप्टिव क्या होता है तो जी बाद बच्चे को पूछो पेपर कैसा हुआ सर ठीक हुआ अपनी तरफ से किया पर नंबर नहीं आए इंडिया में बच्चे रोना शुरू कर गोरे तंग नहीं करते एग्जाम नंबर वन नंबर टू अटैम्प्ट इंडिया में कैट दे बेरे एक बार कर दे हो गया अच्छी बात है नहीं हुआ अगले साल आने का उस दिन बीमार हो गए कुछ भी हो गया जी मैट एक बार पेपर नहीं हुआ बेटा कोई गल नहीं दोबारा आ जाओ दूसरी बार दे दे सर दूसरी बार भी नंबर नहीं तीसरी बार दे दे सर तिबारा सर चौथी चौबारा पंचारह कोई वर्ड होता है पंचारह पांच बार आप जी एग्जाम दे सकते हो एक साल में होली शिट गोरे तंग नहीं करते तो एग्ज़ाम देने वाला वहां पैसे लेंगे हर बार तू एग्जाम देने वाला बन तू पांच बार बिकॉज एग्जाम इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आईडी बॉम्बे का लड़का मिला था था बिजनेस स्कूल इवेंट सर सेवन एट्टी आ गया मैंने सेवन एटी तो सर पांच बार दिया पूरा फुल स्कोर चाहिए था आईडी बॉम्बे को स्कॉलरशिप लेके जाना है तो हाई जी मैट स्कोर जरूरी नहीं कि आपका हाई जी मेट स्कोर पर स्कॉलरशिप मिलती है बट एप्लीकेशन स्ट्रॉग हो जाती है गोरे तंग नहीं करते वैलिडिटी इंडिया में देना एक बार कैट देना खत्म नंबर आ गया बहुत बढ़िया बात है अहमदाबाद हो गया बहुत अच्छी बात है चुप करके ज्वाइन कर लिया बैंगलोर डेफर वेफर का सीन नहीं है ओनली अहमदाबाद इज डेफरल प्रोग्राम बाकी एम्स के अंदर डेफरल प्रोग्राम नहीं है जो स्कोर है एक साल के लिए वैलिड है एक दो कॉलेज जो, जो भी भी हैं हा? बहुत सारे बताऊंगा एक, सार। एक बार देख रख ले इतना महंगा एग्जाम है चौबीस हजार दूंगा पच्चीस हजार का एग्जाम तो है बट वेलिड फॉर फाइव इयर्स है आज नहीं जाना तो बाद में जा सकते हो फर्स्ट एम करने के बाद सेकंड एम दोबारा पढ़ने का मूड नहीं करेगा तो कैट कर तुम रेडी हो तो ये भी दे सकते हो आगे सुनते हैं वेलिडिटी फॉर फाइव ईयर आगे रिजल्ट इमीजिएट पेपर दिया उसी रिजल्ट ऑन द स्क्रीन ले अल्लाह तेरा लैप इंडिया बच्चा एग्जाम की वेट करता है पहले हमारा कैट वालिस्पांस शीट देते हैं रिस्पॉन्स देकर हम एनालिसिस करते हैं है। आपको लिंक दूंगा नीचे जब आपका कैट कर रिस्पॉन्स दे कैलकुलेट करो अपना ये भाई मुंह पे जो है यही है बच्चा पेपर देकर बाहर आता है कितना होया एग्जाम ठीक ठाक हुआ सर नंबर आ गए यू नो वॉट यू गण बी डूइंग नेक्स्ट डे डिप्रेशन में जा शाम को रो दो अगले दिन सुबह नंबर दोबारा देना है दे सकते हो आगे रिजल्ट में नेक्स्ट वन डेट चूजिंग पेपर दस दिन के बाद पेपर एक हफ्ते के बाद है पेपर पंद्रह दिन के बाद डेट कर लो, पैसे लगेंगे दोबारा आप पेपर मूव कर सकते हो अगली बार हाउ कूल इज दैट, यू कैन रिश्कड्यूल द एग्जाम एज वेल इफ यू आर नॉट रेडी तो भाई स्टोरी है गोरे तंग नहीं करते बेनिफिट्स ऑफ जी मैट एग्जामिनेशन आग लगा दो बैठ के थैंक अमेजिंग गॉड स्ट्रीम को लाइक कल दोबारा